हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए थ्योरी ऑफ मशीन में गवर्नर चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग गवर्नर के डेफिनेशन के बारे में पढ़े थे, गवर्नर का फंक्शन पढ़े थे, गवर्नर के टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़े थे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट गवर्नर क्या है। तो याद होगा गवर्नर के बारे में पढ़े थे कि गवर्नर एक ऐसा डिवाइस है जो इंजन के मीन स्पीड को कंट्रोल करता है। अगर इंजन पर लोड बढ़ता घटता है तो उसके कारण इंजन का स्पीड कम होना चाहता है, पर गवर्नर क्या करता है, फ्यूल के सप्लाई को बढ़ा देता है और स्पीड वापस कांस्टेंट करवा देता है। तो गवर्नर आप पढ़े थे कि बेसिकली दो टाइप का था, एक सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर था और एक इनर्शिया गवर्नर था। हम लोग ज्यादा एप्लीकेशन जो है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का कहते हैं। तो वाट गवर्नर क्या है, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का एक टाइप है। क्लियर है? तो डेफिनेशन देखते हैं क्या कह रहा है कि इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। ये सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। सबसे पहला जो गवर्नर बना था ये वाट गवर्नर बना था, और ये गवर्नर जो है वह स्टीम इंजन में यूज होता था। आज के डेट में वाट गवर्नर एप्लीकेशन में नहीं आता है। याद रखना है कि वाट गवर्नर वैसे इंजन में यूज होता है जहां पर इंजन का स्पीड बहुत कम रहता है। लगभग मान लिया जाता है कि 60 से 80 आरपीएम के बीच में अगर किसी इंजन का स्पीड होगा तो वहां पर आप वाट गवर्नर लगा सकते हैं। ये बड़ा बल्की होता है, बहुत भारी होता है, तो इसलिए इसको स्टीम इंजन में पहले यूज किया जाता है। फिर धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होते गया और गवर्नर का जो है टाइप्स बदलते गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाट गवर्नर। तो क्या कह रहा है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। ये सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। इट इज बेसिकली ए कोनिकल पेंडुलम विथ लिंक अटैच्ड टू ए स्लीव ऑफ नेग्लिजिबल मास। देखिए इसमें ये याद रखना, दो तीन चीज याद आपको रखना है कि वाट गवर्नर में जो स्लीव लगा रहता है उसके मास को नेग्लिजिबल कर देते हैं। इवन जो लोअर पोर्शन का लिंक होता है उसके मास को भी हम लोग नेग्लिजिबल कहते हैं। तो यहां से आप कह सकते हैं कि लिंक और स्लीव का जो है यह आपका मासलेस है, मासलेस मान लेते हैं या नेग्लिजिबल मास मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इट इज बेसिकली कोनिकल पेंडुलम विथ लिंक अटैच्ड टू ए स्लीव ऑफ नेग्लिजिबल मास। द आर्म ऑफ गवर्नर इज कनेक्टेड टू द स्पिंडल। याद रखना है कि लोअर पोर्शन का जो लिंक है उसको किसके साथ अटैच कर दिए, स्पिंडल के साथ अटैच कर दिए, और स्पिंडल का मास क्या मान लिए, नेग्लिजिबल मान लिए। पर जैसे ही आप क्वार्टर गवर्नर पढ़ेंगे तो आपको याद रखना है कि स्लीव का मास को कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? फिर कह रहा है दिस गवर्नर इज यूज इन स्टीम इंजन। स्टीम इंजन में ये गवर्नर यूज होता है। ठीक है, और आपको अभी बता दिया था कि ये लो स्पीड इंजन में यूज होता है जिसका स्पीड जो है 60 से 80 आरपीएम तक होता है। तो आई होप आपको इसका डेफिनेशन कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और आज अभी अभी हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन हाइट और स्पीड, मतलब कि अगर लोड बढ़ेगा, ध्यान देंगे लोड बढ़ेगा तो इंजन का स्पीड कम होना चाहेगा। तो जैसे इंजन का स्पीड कम होगा तो स्लीव नीचे आएगा, और जैसे स्लीव नीचे आएगा तो हाइट बढ़ेगा। आप ध्यान से सुनेंगे, देखिए लोड बढ़ा तो जैसे ही लोड बढ़ेगा तो ये जो गवर्नर है ये स्लोली स्लोली घूमेगा, तो जिसके कारण स्लीव जो है वह नीचे आएगा तो हाइट बढ़ेगा। अगर लोड घटा तो ये जो स्पीड है ये बढ़ जाएगा, तो स्लीव ऊपर उठेगा तो हाइट क्या होगा, कम। तो यही रिलेशन आज डेवलप करेंगे कि हाइट और स्पीड के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे यहां से ये हटा रहा हूं, उसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। अब हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ द गवर्नर एंड स्पीड ऑफ ए गवर्नर। ठीक है, तो फिगर हम रहने देते हैं क्योंकि इसी फिगर की मदद से हम लोग डेरिवेशन करेंगे। देखिए बहुत आसान है, बस अच्छे से समझेंगे कि इसके छोटे छोटे टर्म के बारे में कि कब क्या चीज को कंसिडर करना है, किसको नेग्लेक्ट करना है, तो आप वहां से आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे। देखिए सबसे पहला तो इसके फिगर को आपको क्लियर करना होगा। अगर मान लीजिए आपको इसका फिगर नहीं समझ में आता है तो आप क्या करेंगे, एक दो इसका इमेजेस जाके गूगल पर देख लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके हाफ पोर्शन देखिए, यहां पर ये वाला जो ऊपर वाला है इसको हम लोग आर्म कहते हैं, ये जो लिंक है इस लिंक को आर्म कहते हैं, और ये नीचे वाला आर्म को हम लोग लिंक कहते हैं, ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमेशा याद रखना, ये पूरा सिस्टम जो है बैलेंस्ड है। तो हम लोग क्या करते हैं
किसी एक साइड को कंसिडर कर लेते हैं, मान लीजिए हम ये साइड को कंसिडर कर लिए, तो आप इसको निकाल लो बाहर, ठीक है, ये वाले पोर्शन को आप बाहर निकाल लो, ये बॉल है आपका, यहां से लिंक अटैच है, यहां से ये लिंक अटैच है, और ये आपका स्लिप पोर्शन, ठीक है, तो हाफ पोर्शन को आप कंसिडर कर लेंगे। अच्छा क्या बताया हूं कि लिंक और स्लीव मासलेस मान लिए, ठीक है, और ये बॉल है तो बॉल का अपना खुद वेट होगा, तो इसको मान लेते हैं mg है, और जब ये रोटेट कर रहा होगा इस एक्सिस के अबाउट, तो एक बाहर की ओर फोर्स लग रहा होगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स fc, और इसका फॉर्मूला कितना mb स्क्वायर बाय r, तो यहां से आप इसको डिराइव करेंगे क्या आ जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि आपके पास ये आपका आर्म है, हाथ है, और आप एक बाल्टी को पकड़े, तो बाल्टी का वजन नीचे लगेगा, तो आपका हाथ में जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा, तो किसी भी लिंक में, बेल्ट में, चेन में जो फोर्स डेवलप होता है उसको हम फोर्स ना कह के टेंशन कहते हैं, तो यहां पर एक टेंशन क्रिएट होगा, इसको हम टी कहेंगे। रिपीट कर रहा हूं, किसी भी लिंक में, बेल्ट में, चेन में जो फोर्स डेवलप होता है उस फोर्स को हम फोर्स ना कह के टेंशन कहते हैं, तो यहां भी जो लिंक में फोर्स डेवलप हो रहा है वो कैसा हो गया, टेंशन हो गया। और एक चीज याद रखना है, जहां पर आप सेंटर मानोगे तीर हमेशा अवे होना चाहिए, तो टेंशन का डायरेक्शन अवे कर दी, अगर इसको सेंटर मानेंगे तो तीर का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, टी फॉर टेंशन, और ये इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। हम आपको क्या बता रहे हैं कि अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम खींचना आ गया तो समझ जाइए आपको सब कुछ आता है, ठीक है, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग आर मान लिए हैं, आर फॉर रेडियस, और ये इक्विलिब्रियम स्पीड में इसका हाइट जो है वह एच है, ठीक है, तो इतना दूर आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। कौन सा पोर्शन ले लिया, हाफ पोर्शन ले लिए। अच्छा, लिंक और स्लीव में कोई मास नहीं, इसलिए इस मास को कंसिडर नहीं किए, तो आप नोटिस करेंगे कि ये पोर्शन को आप अच्छे से ले लीजिए। देखिए हम यहां से इसका फिर एक डायग्राम बनाते हैं, ये आपका FC हो गया, FC कितना है तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, यहां से टेंशन है इधर, ये टेंशन है, और ये टेंशन में आप नोटिस कर रहे हैं कि ये इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो क्लियर हो गया कि ये यहां पर 90 होगा और ये 90 माइनस थीटा होगा, तो अगर हम इसके पैरेलल एक लाइन खींच दे, तो ये दो पैरेलल लाइन है, ये इसको ट्रांसवर्स किया, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। अब आप तो पढ़े हैं मैकेनिक्स में कि अगर कोई फोर्स आपको टेढ़ा दिख जाएगा तो उसको सीधा कर देना, ठीक है, तो यहां भी ये जो फोर्स है, मतलब ये जो टेंशन है, ये देखिए ये जो टेंशन है ये आपको टेढ़ा दिखा, मतलब एक्स वाई एक्सिस में नहीं है, एक्स एक्सिस में नहीं, तो उसके लिए रूल क्या कहता है, रूल कहता है अगर कोई फोर्स आपको टेढ़ा है, जैसे यहां से आपको समझाते हैं, मान लीजिए ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है और एक फोर्स आपको ऐसा दिख रहा है एफ, और ये इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो इसका कंपोनेंट हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, जिसको टच करेगा कॉस बना देना, और उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा आप याद रखें। तो सिमिलरली यहां भी ऐसा दिख रहा है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके बीच में फोर्स है टी, तो इसको टच कर रहा है तो यहां पर लिख दिया टी कॉस थीटा, जिसको टच करेगा वहां कॉस लगा देना, और ये क्या हो गया, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। ये सारा मैकेनिक्स में आप पढ़े, कुछ नहीं करना, यहां से एक डॉटेड मार दिए, ये ट्राइंगल बन गया, पढ़े कॉस थीटा बराबर बेस बटे हाइट होता है, बेस ये हो गया, ठीक है, हाइपोटेनस, सॉरी ये हाइपोटेनस है तो एफ हो गया, तो यहां से बी बराबर बेस बराबर एफ कॉस थीटा, तो अपने आप निकल जाएगा, ये सब सारा आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या के कंपोनेंट तोड़ दिए, और ये इसका एमजी है जो नीचे लग रहा है, फिगर को बार बार अच्छे से देखेंगे क्योंकि इसका डेरिवेशन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो रहा है। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, देखिए सारा टर्म आपको दिख रहा है, अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, चलिए अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, इसमें अप्लाइंग है इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो थोड़ा सा हम लोग सपोज कर लेंगे, तो क्या क्या मान ले रहे हैं, तो लेट m बराबर मास ऑफ बॉल किसमें है, इन केजी, t फोर क्या है, टेंशन, टेंशन इन लिंक, कौन सा लिंक, अपर लिंक, किस यूनिट में, न्यूटन में,
एफसी क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और एच क्या है? हाइट ऑफ गवर्नर, हाइट ऑफ गवर्नर, ठीक है। बड़ा ध्यान से आप लोग सुनते रहेंगे, पूरा कोशिश करेंगे कि आपके सारे कंटेंट को कंप्लीट करवा दें, ठीक है। अब चलिए यहां से क्या करेंगे, फिगर देख लीजिए, ये हाफ पोर्शन आप चाहते हैं कि इधर का भी ले सकते थे, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम लोग इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में कितना कंडीशन है? तीन कंडीशन है, कौन कौन सा? सिग्मा एफ एक्स बराबर जीरो, सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो, और किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट मूवमेंट बराबर जीरो। तो हम लोग सबसे पहला कंडीशन लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर जीरो। इधर जो दिखेगा उसको प्लस लीजिएगा, बचपन में पढ़े थे, इधर जो दिखता है प्लस होता है, इधर जो दिखता है माइनस है, ऊपर दिखा प्लस, नीचे दिखा माइनस, तो वही कॉन्सेप्ट को यहां यूज करेंगे। तो आपको देखो इस पॉइंट पर देखना है, ठीक है। तो एक फोर्स इधर लग रहा है एफ सी प्लस, कितना? एफ सी। तो इसको बैलेंस कौन कर रहा है? तो टी साइन थीटा बराबर कितना? जीरो। एफ सी का वैल्यू कितना? एम आर ओमेगा स्क्वायर बराबर टी कॉस थीटा, उधर भेज दिया और इसको इक्वेशन नंबर वन मान लिया, सॉरी साइन होगा, तो यहां पर आ गया साइन थीटा, इसको इक्वेशन वन मान ली। सिमिलरली क्या करेंगे, सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो, ऊपर जो दिखेगा उसको प्लस लेंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या दिख रहा है? टी कॉस थीटा, देख लीजिए टी कॉस थीटा, और माइनस एमजी इज इक्वल टू जीरो, उधर भेज देता हूं तो एमजी इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, है ना, उधर गया, हम इसको अरेंज कर ली। तो अब यहां इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लिए? टू मान लिए। अब हम लोग इक्वेशन वन को डिवाइड कर देंगे टू से, ठीक है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन वन, ठीक है, बाय टू। अब आप डिवाइड करो तो देखो, तो टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो यहां से एम आर ओमेगा स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? एम जी। तो यहां से देखिए कुछ टर्म आपका कटने वाला है, कौन कौन सा कट रहा है? टी से टी कट गया, एम से एम कट गया, ठीक है। और यहां पर आप इसको जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? टेन थीटा। तो ये क्या हो गया? आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी, क्लियर हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फिगर में आ जाओ, ये देखो यहां पर हाइट है h और ये आपका रेडियस है r, ये आप इस फिगर में भी देख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, ठीक है। तो आप ये आपको दिख रहा है कि इसके साथ एंगल बना रहा है, तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट वाले को हाइपोटेनस कहते हैं, और जिसके साथ एंगल बनाता है उसको बेस कहते हैं। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया? ये हो गया। तो P की जगह कितना लिख सकते हैं? तो P की जगह लिख सकते हैं R, और बेस की जगह कितना लिख सकते हैं? H। तो tan थीटा की जगह आप यहां पर लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो? तो R बटे H इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर बाई जी, क्लियर। अब आप क्या करो, R से R को भी काट दो, क्लियर। तो आपके पास रिलेशन क्या बना? तो आपके पास रिलेशन बना 1 बाई एच इज इक्वल टू, ओमेगा की जगह आप लिख सकते हैं 2 पाई एन बाई 60 का होल स्क्वायर, अब बाई जी, देख लीजिए। अब यहां से आप क्या करेंगे, देखिए यहां से रिलेशन को आगे बनाते हैं, हम इधर से आपको दिखा रहे हैं, बस आप ध्यान से रिलेशन को देखेंगे और एक काम और करेंगे कि फिर से साथ में लेक्चर को सुनते सुनते फिर से प्रैक्टिस करिए, एकदम कॉपी देख देख के आप लोग खुद से भी बनाइए। तो यहां से क्या हो गया देखो, तो 1 बाई एच इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 3600, ठीक है, और कितना हो जाएगा? जी चेक कर लेंगे, अगर किसी तरह का कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप वहां पर सुधार लेंगे। तो आप क्या कर रहे हो, तो यहां से देखो तो 36g, जी फॉर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू आप 9.8 ले रहे हो, ठीक है, जी डिवाइडेड बाय कितना? 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, इनटू एच,
इज इक्वल टू एन स्क्वायर, सिर्फ अरेंज किया, देखो इसको यहां पर डालें, इसको यहां डालें। ऑन सॉल्विंग अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, ठीक, तो यहां से जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 895 के अप्रोक्स आ रहा है, डिवाइडेड बाई कितना, h इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो यहां से ये फाइनल रिलेशन बन गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट ऑफ द गवर्नर एंड द स्पीड ऑफ गवर्नर। इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे, आई थिंक घोट जाइएगा इसको, ठीक है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है, कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है। अब फाइनली ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया, यहां से अब हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो इसको हटा रहे हैं, अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। अब यहां से मेरे पास कंक्लूजन क्या क्या आ रहा है वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां से सबसे पहला कंक्लूजन आ गया कि एन स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच, क्लियर हो गया, एन स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच। अब यहां से ध्यान देंगे क्या कह रहा है कि अगर स्पीड बढ़ेगा, ध्यान देंगे, अगर स्पीड बढ़ेगा, ठीक, या आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपका लोड बढ़ेगा, इंजन पर लोड बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो एरो साइन ऊपर दिखा देता हूं, ठीक है। तो अगर लोड बढ़ेगा तो इंजन का जो स्पीड है वो क्या होना चाहेगा, कम होना चाहेगा, लोड बढ़ेगा तो स्पीड कम होना चाहिए। तो ध्यान देंगे, इस गवर्नर पर लोड बढ़ा, मतलब इंजन पर लोड बढ़ा, तो गवर्नर धीरे धीरे घूमने लगा, क्लियर, तो स्पीड क्या हो गया, घटा। तो जैसे ही घटेगा तो ये जो बॉल जो ऐसे ऐसे घूम रहा था वो अब नीचे आएगा, मतलब स्लोली आएगा, इस एक्सिस के नजदीक आएगा, और जब नजदीक आएगा तो स्लीव नीचे जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, जैसे मान लीजिए आप किसी बच्चा को पकड़ लिए और उसको चारों तरफ घुमा रहे, और अगर स्पीड से घुमाएंगे तो आप नोटिस करेंगे वो बाहर की ओर जाना चाहेगा। तो क्या बोले कि स्पीड से घुमाएंगे तो बॉल किधर जाना चाहेगा, बाहर, पर अगर स्पीड आप कम करेंगे तो बॉल किधर आना चाहेगा, नजदीक। तो अगर लोड बढ़ेगा, ठीक है, तो स्पीड क्या होगा, कम होगा, और जब स्पीड कम होगा तो हाइट क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये देखिए, चूंकि स्पीड कम होगा तो स्लीव नीचे जाएगा, तो यहां पर हाइट क्या होगा, बढ़ेगा, और जैसे हाइट बढ़ेगा तो इस तरह से अरेंजमेंट रहता है कि फ्यूल का सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है, क्लियर है, लोड बढ़ा तो फ्यूल का सप्लाई बढ़ा दो, जिससे इंजन का स्पीड कॉन्स्टेंट है। सिमिलरली यहां से याद रखना है, ये इसका कंक्लूजन है, ठीक है। अब दूसरा, अगर लोड घटेगा, ठीक है, लोड घटेगा, नॉर्मल सोचो ना, एक पतला दुबला बच्चा को घुमा रहे हो ऐसे पकड़ के चारों तरफ घुमा रहे हो, और एक मोटा बच्चा को घुमा रहे हो, तो आप नोटिस करेंगे पतला बच्चा को बड़ी स्पीड में आप घुमा रहे हो, अब मोटा बच्चा को बड़ी कम स्पीड में घुमा रहे हो, तो सेम कॉन्सेप्ट यहां भी। तो लोड अगर घटेगा तो स्पीड बढ़ेगा, और जैसे स्पीड बढ़ा तो ये देखिए स्लीव ऊपर की ओर उठना चाहेगा, जैसे उठना चाहेगा तो हाइट फिर क्या होगा, कम होगा, तो हाइट क्या होगा, कम हो जाएगा, घटेगा, और उस समय क्या करना है, फ्यूल के सप्लाई को, क्या बोले, लोड घटेगा, लोड घटेगा तो स्पीड बढ़ेगा, हाइट कम होगा तो फ्यूल का सप्लाई भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आई होप आपको पूरा ये थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक डेरिवेशन के साथ इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल बनाते हैं। चलिए अब हम लोग क्या है, न्यूमेरिकल पोर्शन पर आ गए। न्यूमेरिकल पोर्शन में एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिए हैं, छोटा क्या, इसी तरह का न्यूमेरिकल वार्ड गवर्नर में होता है, इससे टफ न्यूमेरिकल्स नहीं होता है, ठीक है। और इस टाइप का न्यूमेरिकल बहुत सारे एंट्रेंस में भी डायरेक्ट पूछता है, और आपके एसबीटी में भी जो है 4 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल कन्फर्म इससे आता ही आता है। तो बड़ा ध्यान से इसको समझेंगे, बहुत आसान रहता है। क्या कह रहे हैं कि ए वाट गवर्नर रन एट 100 आरपीएम, कोई वाट गवर्नर है जिसका जो स्पीड है वह 100 आरपीएम, डिटरमाइन द वर्टिकल हाइट, पूछ रहा हाइट क्या होगा, इफ द स्पीड ऑफ गवर्नर इंक्रीज टू 102 आरपीएम, अगर स्पीड उसका बढ़ के कितना हो जा रहा है, 102 आरपीएम हो रहा है, और साथ ही साथ पूछ रहा है फाइंड द चेंज इन वर्टिकल हाइट, और चेंज भी पूछ रहा है कि हाइट में कितना चेंज होगा। तो क्लियर हो गया कि यहां से 3 क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि 3 क्वेश्चन है। तो ध्यान देंगे हम लोग सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सबसे पहला एक वाट गवर्नर है, तो कोशिश करेंगे कि हर एक न्यूमेरिकल्स में आप फिगर बना के ही सॉल्व करने का कोशिश करें, ठीक है। तो आपके दिमाग में फिगर रहेगा, तो पहले सबसे पहला एक्सिस खींच दीजिए, लिंक यहां से अटैच कीजिए, सेम लिंक यहां कीजिए, एक मास अटैच कर दीजिए, ठीक है, और यहां से फिर सेम उसी तरह का एक स्लीव लगा दीजिए, यहां पर हो गया।
फ्री हैंड स्केच बना देना। अब ये जो गवर्नर है इसका वेट तो क्लियर है कि नीचे लगेगा, और जब ये रोटेट करेगा, ये देखिए रोटेट कर रहा है अलग अलग आरपीएम से, ये एक्सिस है स्पेंडल का, तो ये बाहर की ओर फोर्स लग रहा है एफ से, तो इस पर टेंशन क्रिएट होता है टी टी। सेम फिगर उधर भी बनेगा, पर आप क्या करेंगे किसी एक ही साइड पे बनाएंगे। तो मेरे पास डेटा क्या है, तो गिवन है। तो सबसे पहला इनिशियल कंडीशन में क्या कह रहा है कि जब स्पीड एन वन इज इक्वल टू 100 आरपीएम है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए हाइट ऑफ गवर्नर कितना होगा। तो आप अभी क्या पढ़े हो कि हाइट और स्पीड के बीच में एक रिलेशन था। क्या रिलेशन था, तो आपको याद होगा H इज इक्वल टू 895 डिवाइडेड बाई एन वन का स्क्वायर, मतलब ये था रिलेशन, ठीक है। तो आपको क्या करना, पूछ रहा है कि इस स्पीड में बताइए हाइट क्या होगा। तो आप इसको मान लो इनिशियल कंडीशन H1, और यहां लिख दो 895 डिवाइडेड बाई कितना 100 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, कैलकुलेटर में डाल देना है, और यहां से आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका कुछ वैल्यू जो है वो निकल जाएगा। तो यहां से वैल्यू लगभग जो आता है वो 0.0895, आप एक बार कैलकुलेट कर लेंगे कि क्या वैल्यू आता है, ठीक है, 895 मीटर के आसपास आता है। उसी तरह जब स्पीड इसका चेंज होके कितना होता है 102 आरपीएम होता है, ठीक है 102 आरपीएम। तो पूछ रहा है फिर इस स्पीड में इसका हाइट क्या है, इसको h2 मान लो, तो फिर सेम 895 डिवाइडेड बाय 102 का होल स्क्वायर, कैलकुलेटर से फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको ये भी डिस्टेंस हाइट में निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कुछ आ रहा है 0.086, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर लेंगे खुद से, तो ये मीटर में आ रहा है, ओके। तो अब लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द चेंज इन वर्टिकल राइज, देयरफॉर हाइट में चेंज कितना हुआ। देखिए क्या बता रहा है कि स्पीड अगर आपका कम होगा, ठीक है, मान लीजिए स्पीड कम होगा तो हाइट बड़ा होगा, धीरे धीरे जैसे ही स्पीड आपका बढ़ेगा तो वहां से आप क्या कह सकते हैं, ये देखिए यहां भी रिलेशन से दिख रहा है कि स्पीड कम है तो हाइट कुछ इतना है 0.895 ज्यादा है, जैसे स्पीड बढ़ा तो हाइट कुछ कम हो गया, देखो 0.0889 है, जब स्पीड कम था तो ज्यादा था, यहां कम हो गया। तो हाई चेंज इन हाइट कितना निकालना है, तो चेंज इन हाइट, तो चेंज इन हाइट बराबर हम लिख सकते हैं ज्यादा माइनस कम h1 माइनस h2। यहां से आप सॉल्व कर लेंगे और कुछ वैल्यू जो आ रहा है वो लगभग आ रहा है 3 मीटर 0.3, तो यहां से चेंज करके लिख देंगे 3.5 mm। आई होप आपको वाट गवर्नर का न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। आप अपने बुक से इस तरह के न्यूमेरिकल का खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे, आपको यकीन दिलाता हूं कि 4 नंबर का न्यूमेरिकल इस तरह में जरूर आ जाता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग वाट गवर्नर खत्म कर लिए हैं, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग मन लगा के खूब पढ़िए। थैंक यू।